हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम घटना चक्र की सितंबर और अक्टूबर माह की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने 2022 से लेकर 2023 के अगस्त तक 20 अगस्त तक का हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था। 20 अगस्त के बाद में और अक्टूबर तक यानी कि 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर इस सीरीज़ में है। तो ये कम से कम ढाई महीने का करंट अफेयर है जो हम इसमें कराने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। जिस तरीके से आपने पिछली सीरीज़ को बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत दी थी, उसी तरीके से आप इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस GS विद हिंदू गुरु को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि देखिए, GS विद हिंदू गुरु एक ऐसा चैनल है जो आपको सभी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराता है और इस चैनल को मोनेटाइज हुए अभी 15 दिन हो गए। तो ये एक चैनल जस्ट एज सोशल सर्विस के लिए चैनल स्टार्ट किया गया है। इससे जो भी इनकम होगी, जो भी रेवेन्यू आएगा इससे, वो सभी गरीब बच्चों की शिक्षा में खर्च किया जाएगा। ये हमारी टीम का जो वादा है स्टार्टिंग से ही, और लास्ट तक हम उसी पे खड़े उतरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं, देखिए आज की जो सीरीज रहेगी वो सीरीज स्टार्टिंग में देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, चंद्रयान 3 से रिलेटेड, वो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का भारत का दर्जा दिया है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, जो भी न्यूज़ है इसको हम कवर करेंगे। दूसरी वीडियो रहेगी उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य और ये जो भी चीज़ रहेंगे दो से तीन क्लास में इसको कवर कर दिया जाएगा। तो ढाई महीने की करंट अफेयर आपकी दो से तीन क्लास में हम कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में हुआ है, यानी कि ये भारत में हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी बताऊँगा जो लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हम मेंस में, हमने कभी जीरो भी नहीं लिखा मेंस के लिए हमने, तो हम मेंस की तैयारी कैसे करें। तो मेंस की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मेंस के पर्सपेक्टिव में ही आप पढ़ें चीज़ों को। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप समझ चुके हैं पैटर्न को। आज भी मेरी एक दो दोस्त से बात हुई थी तो मैंने उन्हें कुछ बोला कि आप जो है मेंस का अभी से तैयारी कीजिए, तो उन्होंने बोला कि हमने अभी एक वर्ड्स भी मेंस का नहीं लिखा है कभी भी ज़िंदगी में। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि आपने 12th ग्रेजुएशन में BA जो भी किया है, वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते थे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते थे, सभी टाइप के क्वेश्चन आप लिखते थे नहीं लिखते थे, तो उसमें और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। अगर किसी को लगता है कुछ अंतर है तो देखिए, मैं अंतर दूर कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए, अगर G20 से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आए, कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए कि भारत के लिए G20 का क्या निहार्थ है, या वैश्विक परिदृश्य में G20 की बढ़ती हुई भूमिका के बारे में संक्षेप से लिखिए या व्याख्या कीजिए, या G20 के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में आप जो है व्याख्या करनी है, तो वो सारा कोई भी क्वेश्चन G20 से पूछे जाए तो आप क्या G20 से मतलब ये नहीं लिख सकते कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक प्रमुख मंच है। ये पहली लाइन लिख दी, और यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक आर्किटेक्चर एवं प्रशासन को आकार देने एवं उन्हें सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना आप इंट्रोडक्शन लिख दो, क्या ये काफ़ी नहीं है? एक इंट्रोडक्शन यहाँ से हो गया, तो इसको इंट्रोडक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। अगर इसका हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन देना तो हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन में आप दे सकते थे कि G20 कब बना था, कैसे कैसे बना था, क्या उद्देश्य था उसके पीछे। तीसरा इंट्रोडक्शन ये दे सकते थे आप कि G20 समूह में 19 देश हैं और प्लस में यूरोपीय संघ शामिल है। और ये जो है यहाँ से भी दे सकते थे कि G20 वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के लगभग 75% से अधिक तथा लगभग 2/3 वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी इंट्रोडक्शन के रूप में यूज़ कर सकते थे। तो इसमें देखिए 3-4 टाइप के इंट्रोडक्शन यहाँ पर बन जाते हैं, जो आपको सही लगे आप उसको यूज़ कर सकते थे मेंस में इंट्रोडक्शन के लिए। हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन डाल सकते थे या फिर जनरल से इंट्रोडक्शन भी डाल सकते थे। क्लियर है? अब देखते हैं हम प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें कितने देश हैं। देखिए 1900 देश हैं। कभी कभी पूछ लिया था कि एक दो देश ऐसा दे देते हैं इसमें जो G20 का मतलब सदस्य नहीं है, तो वहाँ पे बताना रहता है कि आपको किन में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है। क्लियर है? तो देख लो, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, UK तथा अमेरिका शामिल हैं। अब इसमें से अगर सपोज़ करो कि इसमें जो है एक कंट्री ऐसा दे देगा कि इंडोनेशिया है नहीं है इसमें, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है नहीं है, फिलीपींस नहीं है, तो कोई भी एक हो सकता है कि दे दे इसमें कि पाकिस्तान है या नहीं है, तो पाकिस्तान नहीं है इसमें।
तो ये फिर और दे सकता है कि कतर इसमें शामिल नहीं है। तो कोई भी एक कंट्री ऐसा दे सकता है जो आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से G20 में शामिल है और कौन से G20 में शामिल नहीं है। तो इनको याद करने का तरीका यह है, देखिए अगर बात करें उत्तरी अमेरिका, हम पहले उत्तरी अमेरिका में क्या क्या है, उत्तरी अमेरिका में एक तो कनाडा हो गया आपका, कनाडा शामिल है, दूसरा अमेरिका शामिल है इसमें, अमेरिका शामिल है, उसके बाद में मैक्सिको शामिल है। तो तीन कंट्री ये उत्तरी अमेरिका के शामिल है। फिर देखते हैं आप दक्षिण ये अमेरिका से कौन है, दक्षिण अमेरिका से एक तो आपका अर्जेंटीना हो जाता है, अर्जेंटीना के अलावा इसमें अर्जेंटीना शामिल है, और बाकी अब देखते हैं यूरोप से कौन है, उसी टाइप में आप देखेंगे एशिया से कौन कौन है और अफ्रीका से कौन कौन कंट्री है। तो इससे आप मतलब इसी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब इसका एक चीज़ और, G20 का कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बार ये पूछा जा सकता कि इस बार ट्रोइका में कौन मतलब सदस्य हैं। देखिए ट्रोइका होता है ये जहाँ पिछली G20 की बैठक हुई थी, जहाँ वर्तमान G20 की बैठक हुई और जहाँ नेक्स्ट G20 की बैठक होगी, तो ये इसमें जो ट्रोइका इसको कहते हैं। तो इसमें कौन कौन है, देखिए पहला इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। तो पिछली बैठक जो हुई थी इसकी वो इंडोनेशिया में हुई थी, इस बार भारत में होगी, नेक्स्ट बैठक जो होगी इसकी वो ब्राज़ील में होगी, क्लियर है। भारत की अध्यक्षता कब से कब तक है, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत का जो इसमें अध्यक्ष है भारत G20 का। अभी इनकी अलग अलग बैठक हुई है, बिजनेस 20 की, सिविल 20 की, लेबर 20 की, पार्लियामेंट की, साइंस 20 की, साइ 20, स्टार्टअप 20, थिंक 20, अर्बन 20, ये सारी बैठकों हम देखेंगे क्रमवार से कौन कौन सी बैठक कहाँ पे हुई है। इस बार एक चीज़ और देखते हैं, केंद्रीय विषय क्या था इस बार G20 की अध्यक्षता में, वसुदेव कुटुम्बकम, या फिर यहाँ कहें एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका जो केंद्रीय विषय था। तो केंद्रीय विषय से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था कि इसका मतलब प्रीमियम क्वेश्चन पूछ लिया था कि केंद्रीय विषय क्या था इसका, इसकी थीम क्या थी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कहाँ से लिया गया था, यह विषय महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अब इसका लोगो देख लेते हैं, लोगो क्या था, तो भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया सफ़ेद हरा और नीला से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है जो चुनौतियों के बीच में विकास को प्रदर्शित करता है। और क्या है, पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसका प्रकृति के साथ में पूर्ण सामंजस्य है। ये आई थिंक ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी में कि कमल की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों एवं 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट हैं। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कमल की 7 पंखुड़ियों में 7 महाद्वीप प्लस 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व दिखाया गया है। ये कौन सी बैठक थी, ये 18वें G20 का सम्मेलन हुआ था ये। नेक्स्ट चलते हैं। G20 की प्राथमिकताएं क्या थी, ये चीज़ मेंशन में भी डाल सकते हैं कि क्या क्या आउटकम्स निकले इसके। तो G20 की प्राथमिकताएं थी, 6 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं इसमें, हरित विकास, जलवायु, वित्त एवं लाइफ। दूसरा है त्वरित समावेशी एवं लचीला विकास। तीसरा है SDG की तेज प्रगति। चौथा क्या है इसमें, प्रौद्योगिक बदलाव एवं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पाँचवा इसमें 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान। छठा इसमें महिलाओं के नेतृत्व में विकास। तो इसके 6 जो आपके प्राथमिकताएं पता होनी चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि G20 की अध्यक्षता भारत के 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की गई थी इसमें। अब इसमें देखते हैं, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में G20 से मतलब संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया। यूपी के कितने शहर हैं, यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए, यूपी का कोई भी पैट का एग्जाम दे रहा हो या फिर RO/ARO का एग्जाम दे रहा हो या फिर नेक्स्ट का ईयर का एग्जाम देगा तो आप पता होना चाहिए। एक तो लखनऊ हो गया, दूसरा वाराणसी और तीसरा आगरा, ठीक है, और चौथा जो है ग्रेटर नोएडा। तो ये 4 शहर थे जहाँ पर बैठकों का आयोजन किया गया था। G20 सम्मेलन में संबंधित आयोजनों हेतु भारत ने अमिताभ कांत को G20 का शेरपा एवं हर्षवर्धन श्रृंखला को मुख्य समन्वयक चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। तो इनको दो नाम याद रखने, अमिताभ कांत और हर्षवर्धन श्रृंखला को। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मेंस में ये मुख्य परीक्षा में ये पूछ लिया था कि इसके G20 के परिणाम क्या निकले, तो इसका परिणाम आपको पता होना चाहिए। प्रमुख परिणाम क्या है, एक तो आर्थिक गलियारे की बात की गई है,
भारत मध्य पूर्वी यूरोप तक ये आर्थिक मतलब ये जो गलियारा ये विकसित किया जाएगा, तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, अभी क्या होगा कि अभी गाजा और इसके बीच में इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से इसमें रुकावट पैदा हो गई है। ठीक है, तो जितनी जल्दी ये युद्ध रुक जाएगा उतनी जल्दी इस पे जो काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। दूसरा क्या, अफ्रीकी संघ में G20 का स्थायी सदस्य की बात की गई है। तीसरा, स्वर्म वैश्विक जैविक ईंधन गठन का मतलब स्वर्म किया गया है इसमें। अब देख लेते हैं इसमें आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। इस बार जो मुख्य अतिथि देश थे वो कौन कौन से थे, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, मतलब इनको देशों को आमंत्रित किया गया था। बाकी ये सारे ऑर्गेनाइजेशन भी मतलब आमंत्रित थे इसमें। अब देख लेते हैं G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र ये किससे रिलेटेड है, क्या है ये, तो इसके प्रमुख बिंदु समझ लेते हैं। प्रमुख बिंदु कि आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना, तीसरा है लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना यानी कि जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन को आगे बढ़ाना, महिलाओं की खाद्य सुरक्षा पोषण कल्याण को सुनिश्चित करना। उसके बाद देख लेते हैं G20 महिला मंत्री स्तरीय का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह का गठन पर सहमति हुई है। किस पर, एक वुमेन एम्पावरमेंट के मतलब एक वर्किंग ग्रुप पर मतलब सहमति बनी है। अब ये देख लेते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था, इसका पता होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, गांधीनगर गुजरात में किया गया था। ये प्रमुख परिणाम देख लेते कौन कौन से निकले, अफ्रीकी संघ जो इसमें G20 का स्थायी सदस्य बन गया है, कौन, अफ्रीकी संघ। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन में 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन को G20 समूह का स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर बना दिया गया है इसमें। तो यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला यह दूसरा क्षेत्रीय गुट होगा। पहले तो एक यूरोपीय संघ था, 19 देश थे और यूरोपीय संघ था, अब जो इसमें यूरोपीय संघ भी ये अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया है। अब कुछ प्रीलिम्स का और इफेक्ट देख लेते हैं। मुख्य समन्वयक कौन था, तो हर्षवर्धन श्रृंखला थे। शेरपा कौन था, ये अमिताभ कांत थे। आयोजन कब हुआ, 9 से 10 सितंबर 2023 को। आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ, ये मतलब प्रगति मैदान नई दिल्ली। विशेष क्या है इसमें, भारत द्वारा आयोजित प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था ये। उत्तर प्रदेश में संबंधित बैठकें देखिए, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा, चार शहरों का आपको नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है जो अफ्रीकी संघ इसमें शामिल किया गया है तो उसमें कितने देश हैं, तो अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जो अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल है इसमें। कितने, 55 देश शामिल है। तो इस संगठन को आधिकारिक रूप से 2002 में लॉन्च किया गया था। अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अजाली असोमानी है इसके अध्यक्ष। दूसरा आउटकम जो निकल गया, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया यहाँ पर 18वें G20 शिखर सम्मेलन में। 9 सितंबर 2023 को होता। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस तथा यूए के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी GBA यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया गया। तो ये पूछा जाता है UPSC को कुछ उसमें भी कि ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये कौन से ग्रुप से संबंधित है, तो ये G20 से संबंधित है। किससे, G20 से संबंधित है ये। अब वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है ये। किसकी, भारत की एक पहल है। इससे होगा क्या, इससे जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाई जाएगी। अब भारत में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जैव ईंधन से रिलेटेड, एक तो PM जीवन योजना ये चलाई जा रही है, दूसरा सतत चलाया जा रहा है यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, एक तीसरा चलाया जा रहा है गोवर्धन, आप सभी जानते हैं गोवर्धन के बारे में। नेक्स्ट क्या है, 19 देश एवं 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही इस गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं, इनका विवरण निम्नलिखित है। GBA का समर्थन करने वाले देश कौन से, एक तो G20 देश हो गए जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका, ये अमेरिका। और G20 अमृत ये आमंत्रित देश कौन से जिन्होंने इसका समर्थन किया, बांग्लादेश हो गया, सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। और GBA का समर्थन करने वाले गैर G20 देश कौन कौन से, वो 8 देश हैं, आइसलैंड, केनिया, गुयाना, ये पैराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा, फिनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से जिन्होंने इसको GBA को समर्थन किया है, तो एक तो वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, विश्व आर्थिक मंच हो गया, WEF, विश्व LPG संगठन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, यूनिडो हो गया, बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच,
और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी यानी कि एरेना, विश्व बायोगैस एसोसिएशन भी इसमें शामिल है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है या फिर यूपीएससी में एक स्टेटमेंट डाल सकता है, यूपीएससी में स्टेट सर्विस पीसीएल में, तो जीबीए सदस्य जैव ईंधन का प्रमुख उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन से हैं, तो प्रमुख उत्पादक देश है इसमें अमेरिका, ब्राजील, फिर भारत 3% करता है इसमें केवल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा, तो तीसरा आउटकम ये निकल गया है, यानी तीसरे परिणाम ये है। तो इसमें क्या है, देखिए ये सम्मेलन हुआ था तो इसमें भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य एक भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा यानी कि इमेक, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापना हेतु एक समझौता किया गया है। तो इसमें ये क्या है, उल्लेखनीय है कि आईएमसी को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या है, देखिए अब इससे कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी यहाँ से, या चाहे तो आपका ये मतलब मुंबई से ले लो या फिर गुजरात से ले लो, तो इससे यहाँ से कुछ लाइन बिछाई जाएगी इधर तक पश्चिमी एशिया तक, पश्चिमी एशिया सीधे यूरोप तक कनेक्टिविटी कराई जाएगी। तो इसको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, देखिए पहला तो होगा एक यूरोपीय गलियारा, तो ये क्या करेगा, यह गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, पहली चीज़ होगी। एक उत्तरी गलियारा होगा इसका, यह गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा, क्लियर है। तो इसको जो आप मेंस में मतलब पश्चिमी एशिया से कनेक्टिविटी के रूप में, यूरोप से कनेक्टिविटी के रूप में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं G20 शिखर सम्मेलन जो होगा ये कहाँ पे होगा, ये ब्राज़ील में होगा। तो नेक्स्ट पता होना चाहिए आपको, 18वां भारत में हो गया, नेक्स्ट कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। तो इसका अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को अध्यक्षता का गेवल सौंपा गया है, किसको, लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को। 19वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट G20 कहाँ होगा, ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट खबर है हमारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो क्या है, तो देखिए अब इसमें मेंस में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए ये है क्या और ये क्यों लाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है और इससे क्या परिणाम निकलेंगे, क्लियर है। तो ये कारीगर एवं शिल्पकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों उपकरण की सहायता से कार्य करते हैं और प्राय स्वनियोजित होते हैं। अब होगा क्या, देखिए यहाँ से इस इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं कि पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में संदर्भित किया जाएगा। उसमें कौन कौन होंगे, लोहार, स्वर्णकार मतलब कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार जैसे व्यवसाय को इसमें शामिल किया गया है। अभी क्या है कि वर्तमान परिदृश्य देख लेते हैं इसका, 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है। तो कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में मतलब पूछ लेता, वनडे एग्जाम में 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, तो आपको पता होना चाहिए विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है, 17 सितंबर को मनाई जाती है। तो प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, देख लेते हैं विशेषताएँ क्या है। देखिए ये एक तो पहली बात तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर की यानी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसमें पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। प्रारंभिक वित्तीय मतलब परिव्यय कितना रखा गया है इसका, 13,000 करोड़ रुपये रखा गया है इसमें। योजना का उद्देश्य या लक्ष्य वगैरह क्या है, तो देखिए योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक साथ मिलकर कार्यान्वित की जाएगी। तो अब इसमें पता होना चाहिए आपको कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है, एक तो एमएसएमई मिनिस्ट्री होगी, दूसरा कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय हो गया, तीसरा वित्त मंत्रालय हो गया जो इसमें लगा हुआ है। विशेषताएँ देख लेते हैं अब कुछ, एक तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अवधि कितनी, 5 वर्ष की अवधि है इसकी। प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय कितना होगा, 13,000 करोड़ रुपये का होगा। टैगलाइन क्या, सम्मान सामर्थ्य, ये सामर्थ्य समृद्धि है इसका। नोडल मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम मतलब एमएसएमई मंत्रालय जो मध्यम मंत्रालय है इसका। अब ये पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, कोई भी इसमें स्टेट का गवर्नमेंट का खर्चा नहीं होगा। इस योजना हेतु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी टैगलाइन क्या है, सम्मान सामर्थ्य समृद्धि इसकी टैगलाइन है। 5 वर्ष के लिए योजना लाई गई है। उद्देश्य क्या, देखिए उद्देश्य से ही आप जो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर मेंस में इस योजना से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो वहाँ पर लिख सकते हैं आपको कि कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए माध्यम से इन्हें इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने तो पात्र बनाना है, इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या, विश्वकर्माओं के कौशल को निखारने के लिए उनका कौशल उन्नयन करना और उन्हें प्रासंगिक एवं उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। तीसरा, उनकी क्षमता एवं उत्पादकता के साथ साथ उनके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों की उनकी
पहुंच को सुगम बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंस में काम आती हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, अभी देखिए इसमें कौन कौन से इसमें शामिल है ये देख लेते हैं। इसमें 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। 18 के 18 का आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बट टोटल देख लो कितने पारंपरिक व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया है। बड़े ही हो गए आपके, नव निर्माता हो गए, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा, टूलकिट बनाने वाले, ताला बनाने वाले, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, जूट बुनकर, गुड़िया एवं खिलौने बनाने वाले, नाई हो गया, माली बनाने वाले, धोबी हो गया, दर्जी हो गया, मछली पकड़ने वाले हो गए। तो ये सारा कुछ इसमें जो मतलब कवर किया गया है 16 को, तो पूछ लिया सकता है कि सॉरी 18 को कवर किया गया है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितने व्यवसायों को शामिल किया गया, तो 18 व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया। अब इसमें क्या होगा, एक इनका जो है इसमें एक आईडी कार्ड बनाया जाएगा, वो आईडी कार्ड के बाद में इन्हें जो प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा उसके साथ ही ये मतलब योजना लागू की जाएगी। अब प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी, 40 घंटे, जबकि उन्नत कौशल प्रशिक्षण की अवधि 15 दिन है, 120 घंटे से अधिक होगी। उसके साथ ही क्या होगा, इसमें मूलभूत कौशल प्रशिक्षण के प्रारंभ में लाभार्थी को 15,000 रुपये का टूल किट प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में ऋण की भी फैसिलिटीज में प्रोवाइड कराई जाएगी। 5% की रियायती ब्याज दर पर 1,00,000 रुपये तक पहली किस्त और 2,00,000 रुपये तक दूसरी किस्त का ऋण दिया जाएगा, यानी कुल 3,00,000 रुपये तक का ऋण इसमें दिया जाएगा। इसमें टूल किट में क्या क्या होगा, देखिए टूल किट प्रोत्साहन ऋण सहायता होगी, डिजिटल लेन देन हेतु इनिशिएटिव होगा, विपणन सहायता होगी, और ये एक कार्ड दिया जाएगा और कौशल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है। तो ये लैंडिंग की डेट पूछी जा सकती है 23 अगस्त 2023 को, यानी कि इसरो ने चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने में सफलता प्राप्त की है। तो ये डायरेक्ट डेट भी पूछी जा सकती है किसी भी वनडे एग्जाम में। अब ये देखिए, भारत जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्षम विश्व का चौथा देश बन गया है। देखिए अगर बात करें चंद्रमा की सतह पर, तो चंद्रमा की सतह पर भारत चौथा देश बन गया है। उससे पहले किसने, अमेरिका, रसिया, चीन ने ये मतलब उपलब्धि जो हासिल की चुके हैं। अब ये भारत चौथा देश बन गया है। लेकिन अगर बात करें दक्षिणी ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला मतलब जो देश बना है। क्लियर है। अब ये महत्वपूर्ण घोषणाएं देख लेते हैं इसमें। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा है उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो आपको मतलब पूछ लेगा एग्जामिनर कि हाल ही में चर्चा में रहा है शिव शक्ति शब्द जो है क्या है, ये शिव शक्ति जो है क्या है, तो पता होना चाहिए आपको कि जहाँ पर ये लैंडर जो विक्रम उतरा है वहाँ पर जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान को शिव शक्ति के रूप में जाना जाता है। अब एक और चीज़ यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट है कि 23 अगस्त का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन गया है। तो 23 अगस्त को किस डे के रूप में मनाया जाएगा, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाएगा। तो इसलिए क्योंकि 23 अगस्त में ये उतरा था, तो इसलिए इस डेट को जो अनाउंस कर दिया गया। तो अब हो सकता है कि एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है 23 अगस्त को हम किस रूप में मनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके साथ ही चंद्रयान 2 ने चंद्रमा से जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया था। तो चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसको क्या कहा गया, इसको तिरंगा कहा गया। अब इसको कहा गया शिव शक्ति। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 23 अगस्त 2023 को लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर लैंड करने में सफल हो गया है। तो आपको डेट पता होनी चाहिए इसकी। ये देखिए यहाँ पे वो बात लिखी है कि भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। क्लियर है। अगर बात करें दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये वहाँ पर वो बात लिखी, 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। शिव शक्ति आप जानते हैं कि शिव शक्ति क्या है, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने जिस चंद्रमा की सतह पर जहाँ पर उतरा है उसका नाम क्या रख दिया है, उसका नाम रख दिया शिव शक्ति। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये पूछा जा सकता है कि चंद्रमा की सतह पर कौन सी मतलब इसका जो उपस्थिति का पता लगा, तो सल्फर की उपस्थिति का यहाँ पर पता लगाया है इसने। यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर सल्फर की उपस्थिति का इसमें जो पुष्टि की गई है। उसके साथ में और एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की भी उपस्थिति का पता लगा यहाँ। तत्पश्चात मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता चला है। अब ये भी इसके बारे में देख लेते हैं कि लूना 25 मिशन क्या था। तो ये देखिए, ये रूसी चंद्र मतलब लैंडर मिशन था। तो कब उल्लेखनीय है कि 1976 में तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लूना 24 नामक चंद्र मिशन को प्रक्षेपित किया गया था, जो सफल रहा था। उसके 47 वर्ष बाद जो है ये लूना 25 मिशन जो है लॉन्च किया गया है। कब लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगू सलावास्की क्रेटर के निकट लैंड किया जाना था।
हालांकि 20 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार लूना 25 का संपर्क नियंत्रण केंद्र से टूट जाने के पश्चात यह मिशन चंद्रमा की सतह से टकरा कर नष्ट हो गया है। तो इसने भी दक्षिण ध्रुव पर भेजा था बट ये सफलता प्राप्त नहीं की थी। तो इसका नाम क्या था, लूना 25 कहाँ पर दक्षिण ध्रुव पर भेजा था चंद्रमा की। नेक्स्ट देख लेते हैं PSLV C57 आदित्य L1 ये क्या है। तो क्या देखिए 2 सितंबर 2023 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C57 द्वारा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसका, ये आदित्य L1 का, किसके द्वारा, PSLV C57 द्वारा। इसे कहाँ से किया गया प्रक्षेपण, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सौर के द्वितीय लॉन्च पैड से इसको प्रक्षेपित किया गया है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बाकी देख लेते हैं। 2 सितंबर 2023 को परीक्षण किया गया इसका PSLV द्वारा 59वीं उड़ान, PSLV XL 25वीं उड़ान द्वारा किया गया था। प्रक्षेपण यान SDSC सार के नाम से प्रक्षेपण यानी ये था PSLV C57। प्रस्तावित कक्षा क्या है, L1 बिंदु पर इसकी मतलब ओके आ जाना था। अब इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं। PSLV C57 PSLV की ये 59वीं उड़ान थी, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये देख लें किसके द्वारा छोड़ा गया था और ये कौन सी डेट को छोड़ा गया था। आदित्य L1 मिशन क्या है, संस्कृत में आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, तो जबकि आदित्य L1 यानी कि L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली सन अर्थ सिस्टम के लैंग्रेज बिंदु L1 यानी कि लैंग्रेज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। तो आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है। तो ये पूछा जाता है हाल ही में चर्चा में रहा आदित्य L1 क्या है, तो ये सौर मिशन है। आदित्य का मतलब आदित्य का अर्थ क्या होता है, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, तो इस चीज़ से आप आइडिया लगा लो ये क्या है, ये सूर्य है, मतलब सूर्य पे सूर्य का ही छोड़ा गया मिशन है, ठीक है, भारत का पहला सौर मिशन। दूसरे शब्दों में देख लेते हैं, यह सूर्य के अध्ययन के लिए प्रथम अंतरिक्ष आधारित वैशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है। आदित्य L1 अंतरिक्षयान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के प्रथम लैग्रेंजियन बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा। इस कक्ष की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं, आदित्य L1 मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। देखिए पहला उद्देश्य है इसका सूर्य के ऊपरी वायुमंडल यानी क्रोमोस्फेयर एवं कोरोना के प्रति की गति विज्ञान का अध्ययन करना है, पहली चीज की। दूसरा क्रोमोस्फेरिक एवं कोरोना तपन का अध्ययन करना है। तीसरा आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इंजेक्शन की शुरुआत तथा फ्लेयर्स का अध्ययन करना। चौथा सौर पवन वितरण एवं तापमान अपरूपता का अध्ययन करना है। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो इसके मतलब किए जाने हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 15वां BRICS शिखर सम्मेलन। तो 15वां BRICS शिखर सम्मेलन, देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में कौन कौन कंट्री आते हैं। तो पहले कंट्री है इसमें ब्रिक्स बी से ब्राज़ील है, आर से रसिया है, और आई से इंडिया है, सी से चाइना है, और इससे एस से साउथ अफ्रीका है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसकी पहली बैठक हुई थी, आयोजन कब हुआ था इसका, जून 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी, कहाँ पे, रसिया में आयोजित की गई थी इसकी पहली बैठक। हुआ क्या था, इसके जस्ट एक साल बाद सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स का जो मेंबर बना लिया गया था। तो उसके बाद में ये नाम पूरा हो गया था ब्रिक्स, पहला नाम हुआ करता था इसका ब्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखिए अगर आपको मेंस में ये क्वेश्चन लिखना है तो मेंस में क्वेश्चन लिखते हुए आपको ये यहाँ से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं कि सामूहिक रूप से ब्रिक्स देश वैश्विक जनसंख्या के लगभग 42% और वैश्विक क्षेत्र के लगभग 30% और वैश्विक GDP के लगभग 23% का हिस्सा कवर करता है। नेक्स्ट इसमें देखिए इसका भी G20 की तरह कोई भी स्थायी सचिवालय या कार्यालय नहीं है। अब देखते हैं इसका आयोजन हुआ है अभी कहाँ पे, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया है, कब, अगस्त 2023 में। इसका मुख्य विषय क्या था, ब्रिक्स और अफ्रीका इसका मुख्य विषय था। अध्यक्ष कौन था इसका, इस बार का अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका था। अब इसमें देखिए इसकी थीम पूछ ली जाती कभी कभी कि इसकी थीम क्या थी, इसका मुख्य विषय क्या था, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षपात के लिए साझेदारी, यानी कि ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसिलेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ये मल्टीलेटरलिज्म। अब इसके परिणाम देखिए अगर आपको मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया, कोई भी ब्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि ब्रिक्स का गठन कब किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। दूसरा यहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं कि इसका अभी इंपॉर्टेंस क्या है और इसका कितना कंट्रीब्यूशन है वैश्विक GDP में, वैश्विक जनसंख्या में और वैश्विक
मतलब क्षेत्र पर कितने परसेंट क्षेत्र पर ये काबिज है, मतलब ब्रिक्स। अब इसके परिणाम क्या हुए थे इस बार के ब्रिक्स समिट के परिणाम क्या हुए थे ये देख लेते हैं। अब ये एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि जोहान्सबर्ग सेकेंड घोषणा जो है किससे रिलेटेड है, तो ये ब्रिक्स सम्मेलन से रिलेटेड है, यानी कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जिस तरीके से अभी पूछा जाता दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये G20 से रिलेटेड है दिल्ली डिक्लेरेशन। अब इसमें क्या क्या है देखिए, ब्रिक्स की अध्यक्षता में ब्रिक्स खेल सहयोग ढांचे यानी कि ब्रिक्स स्पोर्ट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के विकास हेतु खेलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ब्रिक्स में देखिए आमंत्रित देश कौन कौन से थे इसमें, जो पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किए गए थे, तो 6 सदस्य देश थे इसमें, एक तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। नेक्स्ट चलते हैं, तो 6 नए सदस्य इसमें शामिल किए गए, कौन कौन से हैं अभी हमने देख लेता, अर्जेंटीना है, एक मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और UAE है। अभी इन्हें 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी ब्रिक्स से बढ़कर, तो ब्रिक्स की टोटल संख्या हो जाएगी 11। पहले कितने थे, पहले 5 सदस्य हुआ करते थे इसके। नेक्स्ट चलते हैं, 22 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लिया था, इसमें कब, मतलब 22 अगस्त 2023 को। अब इस प्रस्ताव में देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें क्या किया था, पारंपरिक औषधि के भंडार की स्थापना की थी यहाँ पर, मतलब इसमें ब्रिक्स सम्मेलन में, तो ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन ये कंसोर्टियम का गठन भी इसमें किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, जबकि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन, देखिए अभी 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की हमने बात की थी, अगर पूछा जाए आपसे कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये रसिया में आयोजित किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 2024 में। रसिया के कौन से शहर में किया जाएगा, तो रसिया का एक शहर है कजान, तो कजान में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अभी इसके दर्जा मिलने के साथ ही अब कितनी कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है, तो अभी भारत में कुल 13 कंपनियां हैं जिन्हें यह दर्जा दिया गया है। कितनी, 13 कंपनियां हैं जिन्हें दर्जा दिया गया है। 12वीं कंपनी कौन सी थी, 12वीं रैक थी, जिसे 2022 में इसका दर्जा महारत्न का दर्जा दिया गया था। 13वीं कंपनी कौन सी हो गई, ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं कंपनी है जिसको ये दर्जा दिया गया है। अब इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं, अब कितनी टोटल संख्या हो गई 13। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन सी है इसमें, हो सकता है कि किसी वनडे एग्जाम में पूछ लिया है, एक तो वेल हो गई, एक BPCL हो गई, CIL हो गई, गेल हो गई और IUCL हो गई, NTPC, ONGC, सेल हो गई, ये PGCIL हो गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई और ये रैक लिमिटेड हो गई, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गई, यानी कि कुल कितनी कंपनियां, 13 कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है। अब देखिए अगर कोई कंपनी को हम महारत्न का दर्जा तब देंगे जब उसमें अवश्य मानदंड होंगे, तो कौन कौन सी चीज़ें होनी जरूरी हैं, तो पहली चीज कंडीशन ये तो ये होनी चाहिए कि उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है कि सेबी के नियमों के तहत जो है न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध उसको कंपनी का होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार का यानी कि 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का होना चाहिए उसका, जो साल का टर्नओवर है 25,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए। और जो अगर उसकी शुद्ध संपत्ति की बात की जाए यानी कि एवरेज एनुअल नेट वर्थ की बात की जाए, तो 15,000 करोड़ का होना चाहिए वो। एक और प्रॉफिट की बात की जाती है, उस कंपनी का पूरा साल का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, उसके पूरे मतलब 3 वर्षों का प्रॉफिट होना चाहिए 5,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक। चौथी ये कंडीशन और हो जाती है, मतलब छठी कंडीशन है, वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संचालन उसका होना चाहिए। क्लियर है, तो ये हमने 5-6 कंडीशन देख ली जो किसी भी महारत्न कंपनी को देने के लिए उससे पहले होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अब नवरत्न के दर्जे देख लेते हैं। नवरत्न का दर्जा भी 13 कंपनी को मिल चुका है। इसके लिए मतलब कौन कौन सी कंपनियां, देखिए अभी कंपनी ये 13 कंपनी को तो मिल चुका था, अभी 14 कंपनियां, मैं 14 कंपनियां हो चुकी हैं जिन्हें नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। अगर पूछा है कि महारत्न का कितना, तो 13 कंपनियों को, अब नवरत्न का 14 कंपनियों को है। तो कौन सी कंपनी है, देखिए RCFL को अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को ये दर्जा दिया गया है, उससे पहले ONGC को मिला था।
तो आपने लास्ट ईयर की जब हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था 13 कंपनी को ही नवरत्न का दर्जा मिला था, लेकिन एक और नई कंपनी ऐड हो गई इसमें, RCFL। अभी नवरत्न का दर्जा देना स्टार्ट कब किया गया था, तो 1997 में ये दर्जा देना स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, आसियान की स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को, यानी कि 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई थी आसियान की। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे इसकी डेट पूछ लेता कि कब स्थापना की गई थी, या फिर इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता कि हेडक्वार्टर कहाँ, तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना जब की गई थी उस टाइम पर 5 सदस्य देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो कौन कौन थे, इनके कभी पूछ लिया था कि संस्थापक सदस्य कौन थे, तो 5 संस्थापक सदस्य थे, एक पहला इंडोनेशिया हो गया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाकी उसके बाद में सदस्य बढ़ते गए, जैसे कि 1995 में लाओ को सदस्य बनाया गया, म्यांमार को सदस्य बनाया गया 1997 में, कंबोडिया को बनाया गया 1999 में। अभी इसका 11वां सदस्य किसको बनाया गया, तो बन गया तिमोर लिस्ते को इसका 11वां सदस्य बनाया गया, तो हाल का सदस्य इसमें पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी अभी बैठक हुई है, तो बैठक कहाँ हुई है, इसकी बैठक हुई है 2023 में जकार्ता इंडोनेशिया में। अध्यक्ष कौन था, इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष था, कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया। कौन सी बैठक पूछी हुई थी, ये 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका केंद्रीय विषय पूछा सकता कि सेंट्रल मतलब इसका जो थीम थी वो क्या थी, तो आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, यानी कि आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ इसकी थीम थी। तो कभी कभी इसकी थीम भी पूछ ली जाती है, या फिर इसके कब सदस्य, कितने सदस्य हैं, कब गठन किया गया था, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अभी देखिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में ये क्वेश्चन मतलब पूछा भी गया था इस बार। तो ये देखिए मेंस में अगर आपको इंट्रोडक्शन बनाना है, तो मेंस में इंट्रोडक्शन या तो आप हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि इसका गठन कब किया गया था, कौन सदस्य थे इसमें, संस्थापक सदस्य कौन थे, तो कोई नहीं रोक रहा आपको मेंस का इंट्रोडक्शन बनाने के लिए। तो कुछ बच्चों के लगातार मैसेज आते हैं, बार बार पूछते हैं कि सर हमने आज तक मेंस का कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लिखी है, या हमने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है मेंस का, तो हम कैसे अटैम्प्ट करें। तो भाई सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि किसी भी एग्जाम में आपको पता है कि क्वेश्चन लिखने से पहले आपको बताना चाहिए कि भाई पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। अगर पूछ ले आपको डायमेंशन पता लगी एग्जाम की, कि देखिए मैं देख कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ मैं मेंस के, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाल फिलहाल में सार्क के मुकाबले भारत आसियान को बढ़ता दे रहा है, उसके पीछे के तार्किक कारणों का संक्षिप्त में व्याख्या करें। तो भाई आज देखिए सार्क में क्या था, सार्क में पाकिस्तान था, अब इसमें आसियान में पाकिस्तान नहीं है, तो आसियान में पाकिस्तान नहीं, तो पाकिस्तान इसमें रोड़ा लटकाने से रहा। तो अभी हमें करना क्या भाई, हमें इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा देनी क्योंकि क्षेत्रीय संगठन अब ये जो उभार उनमें उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो वैश्विक संगठन है उनकी पकड़ ढीली होती चली आ रही देशों के प्रति, मतलब वो टाइम टू टाइम मदद भी नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा ये कि मतलब उसमें जो है बहुत ज़्यादा पक्षपात हो रहा है देशों के जो भी विकासशील देश हैं उनको लेकर। तो इसलिए भारत को भी चाहिए कि अपने छोटे छोटे जो क्षेत्रीय संगठन बनाए हुए हैं उनको और मजबूत करें, और उनमें जो है मतलब दिन प्रतिदिन का मतलब जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उसको बढ़ाए। ठीक है, अब इसको देखिए हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन बना सकते हैं आप यहाँ से, कि आसियान का गठन कब किया गया था, ये कितने सदस्यों ने मिलकर ये आसियान का गठन किया था, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, ये कौन अभी हाल में मेंबर बना था इसका, इंपोर्टेंस में इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, या फिर इसका उद्देश्य क्या था, तो कोई भी इंट्रोडक्शन आप बना सकते हैं। अगर हाल का भी आपको पता है कि हाल ही में इसकी बैठक यहाँ पर हुई थी, तो यहाँ से भी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है। तो एटलीस्ट कुछ भी आपको पता है तो वहाँ से आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, फिर आप डिपेंड करता है कि डायमेंशन क्या रहती है उसकी, डायमेंशन अगर पूछे उसका महत्व क्या है, उसके सामने चुनौतियाँ क्या हैं, तो आप डेली का न्यूज़पेपर जब पढ़ें तो डेली के न्यूज़पेपर में उन चीज़ों को कवर करते हुए चलें, और उसी टाइप से आप डेली का न्यूज़पेपर या फिर जो भी आप न्यूज़ मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसी टाइप से आप मैगजीन को पढ़ें, जिससे कि आप मेंस भी प्री के साथ में तैयार करते हुए चलें। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें, तो देखिए 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये भी जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। और अगर बात करें 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, तो ये भी जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। इसमें 8 सदस्य देशों ने आसियान के अतिरिक्त भाग लिया था, वो 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रसिया और अमेरिका ने इसमें भाग लिया था, जो आसियान के सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी उसके बाद भी इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऐसे कौन देश हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। और UPSC जब भी क्वेश्चन पूछता तो ये पूछता कि इनमें से कौन सा देश ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा है जिसने इसमें भाग नहीं लिया था, तो 3-4 देश इसमें के देगा, एक देश अलग का दे देगा, तो आपको कन्फ्यूज कर सकता है वो।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा हुई थी, तो अभी ये पूछा जा सकता कि बनने एग्जाम में किसी में भी कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा की थी, तो इन्होंने ग्रीस की यात्रा की थी। अब ग्रीस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं आगे। तो देखिए ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है अभी, कायरियाकोस मित्सोताकिस। तो देखिए आपसे प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस में किसी आरओ आरओ के एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि जो भी देश करंट में न्यूज़ में रहते हैं वहीं से क्वेश्चन वो एग्जामिनर बना देता है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे कायरियाकोस मित्सोताकिस ये मतलब क्या है ये। अब आपको मतलब एग्जामिनर ये दे देगा कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं, ये इसमें से किसी के भी प्रधानमंत्री नहीं है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए ये कायरियाकोस जो है ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, पहला क्वेश्चन बन गया यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री की अगस्त 2023 में कहाँ की कौन से देश की यात्रा पर रहे थे, तो ये ग्रीस की यात्रा पर रहे थे। कब? अगस्त 2023 में ग्रीस की राजकीय यात्रा पर रहे थे। अब इन्होंने यहाँ पे एथेंस एक जगह है, उन्होंने टूम ऑफ अननोन सोल्जर को मतलब यहाँ को जो इसको उपाधि मतलब श्रद्धांजलि दी अर्पित की है। अब दोनों देशों के बीच में कुछ समझौते हुए हैं, दोनों देशों के मध्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने के लक्ष्य के निर्धारित किए गए हैं। अब इन्होंने देखिए टूम ऑफ अननोन सोल्जर को मतलब यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है तो एथेंस में, तो ये कहाँ पे दिए ये मतलब ये दिए रोम में, सॉरी ग्रीस में। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में, किसी क्षेत्र पर सहयोग पर समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना सकेला रोफ जो लो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा दिया गया है, तो ये ग्रीस द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष जो है बने हैं। नेक्स्ट है प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट ये लॉन्च किया गया है, कहाँ पर? ये मिजोरम में लॉन्च किया गया है। तो आप सभी जानते होंगे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू किया गया था, 27 सितंबर 2011 को ये लाया गया था। इसमें क्या था, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रालय ने लगभग 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ ही 5 वर्षों की अवधि के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन की मंजूरी प्रदान की है। तो ये क्या है, ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। क्लियर? अभी देखिए ये 23 अगस्त 2023 को एनएचए द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत आइजोल मिजोरम में प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट जो लॉन्च किया गया है यहाँ पे। देखिए वर्तमान परिदृश्य क्या है, 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत आइजोल मिजोरम में प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से मेंस का क्वेश्चन पूछा था और प्री का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक तो ये किसके द्वारा जारी किया था, ये जारी किया था नीति आयोग द्वारा, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अब इसमें कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। आप सभी जानते हैं कि 2015 में क्या हुआ था, SDG को अपनाया गया था। SDG में क्या है, 17 बेसिक लक्ष्य और 169 जो उपलक्ष्य इसमें शामिल किए गए हैं। अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में देख लेते हैं, तो इसको किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI को 2010 से ही शामिल किया जा रहा है। इसके कुछ प्रमुख आयाम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो स्वास्थ्य होता है, दूसरा शिक्षा होता है, तीसरा रहन सहन का स्तर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखिए अगर बात करें भारत के राष्ट्रीय MPI के संकेतक कौन कौन से होते हैं, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और तीसरा हो गया रहन सहन के स्तर। तो इसमें जो स्वास्थ्य का होता है कितने बटे होता है, तो 1/6 होता है स्वास्थ्य में पोषण का, 1/12 होता है इसमें, 1/3 तो होता है इसमें टोटल, 1/6 होता है पोषण, फिर बाल एवं किशोर मृत्यु दर, फिर होता है मात्र मतलब स्वास्थ्य, इसका 1/3 होता है शिक्षा का, इसमें होता है स्कूल शिक्षा के वर्ष, दूसरा होता है स्कूल में उपस्थिति, तीसरा होता है 1/3 होता है इसमें मतलब 1/3 में इसके अलग अलग कंपोनेंट जैसे कि खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन हो गया, स्वच्छता हो गया, पेयजल हो गया, विद्युत हो गया, आवास हो गया, संपत्ति हो गया और ये बैंक खाता वगैरह हो गया। अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग द्वारा,
वर्तमान परिस्थिति है कि नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये द्वितीय संस्करण था इसका। अब प्रमुख परिणाम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या निकले। प्रमुख परिणाम में यह है कि इसमें देखिए 2015-16 से 2019-21 के मध्य रिकॉर्ड 13.5 करोड़ यानी कि 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं इस रिपोर्ट के तहत। अब इसमें अगर बात करें उत्तर प्रदेश में यानी कि 3.43 करोड़ लोग जो है उत्तर प्रदेश में गरीबी से बाहर आए हैं, दूसरा बिहार में, दूसरा नंबर बिहार का, तीसरा मध्य प्रदेश का। अब ये क्या हकीकत है क्या नहीं है ये तो आप सभी जानते होंगे, बट ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 15-16 में भारत में बहुआयामी गरीब से गरीब लोगों की संख्या 24.85 से घटकर कितनी रह गई, 14.96 रह गई है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि कितने से कितने रह गई है। अगर ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट मेंस में पूछा जाए तो आप यहाँ से इसका मतलब रेफरेंस देकर लिख सकते हैं कि हाल ही में नीति आयोग जो द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत जो है ये मतलब डाटा मतलब बताया गया है। तो ठीक है, यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन हो जाता है, फिर जो डायमेंशन पूछी गई है आप उस पर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए बिहार में, अगर बिहार में जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार में, देखिए बिहार में गरीबी कितनी है, सबसे ज़्यादा गरीबी अभी बिहार में कितनी, 13.76। 15-16 में बिहार में गरीबी कितनी थी, 51.89। दूसरा नंबर झारखंड का, झारखंड में गरीबी कितनी, 28.81। उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा, उत्तर प्रदेश का चौथे नंबर पर, मतलब 22.93% जो उत्तर प्रदेश में गरीबी है। पहले कितनी हुआ करती थी, पहले 37.68% यहाँ पर गरीबी हुआ करती थी। अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम केरल में गरीबी है, 0.55% जो है केरल में गरीब लोग रहते हैं। कमी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अगर संख्या के मामले में देखा है तो उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर हुई है अगर परसेंट की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा कमी हुई है 18% की, फिर मध्य प्रदेश की बात करें, फिर तीसरे नंबर पर परसेंटेज में कमी की बात करें तो तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश में 22.93% गरीबी रेखा से मतलब नीचे रहते हैं लोग जो है। MPI स्कोर कितना है इसका, 0.103 MPI स्कोर है। ग्रामीण क्षेत्र में 26% लोग गरीब हैं और शहरी क्षेत्र में 57% लोग जो है गरीबी मतलब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अगर इसमें जिलों की बात की जाए तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जिला कौन सा, बहराइच है, जहाँ पर 54% गरीब लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पर श्रावस्ती है और न्यूनतम की बात करें तो गाजियाबाद और दूसरे नंबर पर लखनऊ है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया, देखिए टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस 2023 ये जारी की गई है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंडिया टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स एंड एट ए ग्लास मतलब ग्लांस 2023 रिपोर्ट जारी की, किसके द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो इसके तहत भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या कितनी, 6.19 मिलियन रही है 2022 में, जबकि 2021 में कितनी थी, 1.52 मिलियन थी। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस बार रही है। अगर इसमें बात किया कि विदेश, विश्व से कितने पर्यटक, विश्व में कितने पर्यटक, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन की संख्या कितनी रही है, विश्व में रही है 963 मिलियन। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कितनी रही है, 100 मिलियन रही है यहाँ पे। और भारत की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, ये 2.08% है। अगर विश्व पर्यटन में भारत की स्थान देखें तो 14वां स्थान है भारत का इसमें। अगर पूछें आपसे सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ पाए हैं तो ताजमहल पाए हैं, दूसरे नंबर पर लाल किला, फिर सूर्य मंदिर, फिर कोणार्क, फिर आगरा का किला। तो पहले दूसरे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अगर बात किया है तो सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ से आए, अमेरिका, बांग्लादेश, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो हम ऊपर के 2-3 आपको पता होना चाहिए, अमेरिका, बांग्लादेश और UK। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगर बात की जाए भारत के लोग जो विदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ को गए, तो पहले नंबर पर इसमें संयुक्त अरब अमीरात का नंबर आता है, दूसरे नंबर पर सऊदी का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर अमेरिका का आता है। तो आपको पता होना चाहिए 3 कंट्री। अगर बात करें तो घरेलू पर्यटक यात्राएं कहाँ पे मतलब कितने पर्यटक यहाँ पर आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में घरेलू में पहले नंबर पर है, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। वहीं अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें भारत में तो कहाँ कहाँ पर, पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे पश्चिम बंगाल, चौथे पर दिल्ली, पाँचवें पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते देखिए, लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना हुई है अभी, तो इसने जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 26 अगस्त 2023 को
लघु सिंचाई परियोजनाओं पर छठी गणना की रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अब बात करते हैं कि इसके तहत जो है सबसे ज़्यादा मतलब लघु सिंचाई योजनाएं कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, दूसरे में महाराष्ट्र है, तीसरे मध्य प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जो भूजल है मतलब ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर योजना में अग्रणी राज्य कौन सा? पहले उत्तर प्रदेश है, दूसरे महाराष्ट्र है। सतही जल में योजना में अग्रणी कौन सा है? पहले महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक है। अगर कुल की बात करें, कुल में पहले उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बागवानी फसलों का प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 का जारी किया गया है। इसके तहत कुल उत्पादन देख लेते हैं, कभी कभी कंपेयर कर लेता है। कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 87 मिलियन टन अनुमानित है 2022-23 में। कितना? 350.87 मिलियन टन। तो इस बार पिछली बार से कितना रहेगा? 1.0% जो अधिक रहेगा। अब इसमें स्टेट वाइज देख लेते हैं, समग्र बागवानी उत्पादक राज्य कौन से? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे मध्य प्रदेश है, तीसरे पश्चिम बंगाल है। अगर हम बात करें सब्जी उत्पादन में, पहले पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पर मध्य प्रदेश है। वहीं बात करते हैं अगर फल उत्पादन में देखा जाए, तो पहले पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है हमारा। तो नेक्स्ट देखते हैं बागानी फसल उत्पादक राज्य कौन से? पहले पर कर्नाटक यानी कि प्लांटेशन क्रॉप बागानी, तो दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु है। अगर मसाला उत्पादन की बात करें, पहले मध्य प्रदेश है, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर गुजरात है। अगर फूल उत्पादन की बात करें, पहले तमिलनाडु है, दूसरे पर कर्नाटक है, तो ये पूछ लिए जाते हैं। अगर देखिए फल सब्जी मसाले बागवानी के उत्पादन देख लेते हैं, तीन अग्रणी राज्य है। अगर कुल फल की बात करें, तो आंध्र प्रदेश पहले पर, दूसरे महाराष्ट्र है। केले में आंध्र प्रदेश पहला, दूसरे महाराष्ट्र। आम में आंध्र प्रदेश पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा। अमरूद में उत्तर प्रदेश पहला है, मध्य प्रदेश दूसरा है। वहीं पर अंगूर की बात करें, तो अंगूर में महाराष्ट्र है। सेब पूछा जाता है, सेब जम्मू कश्मीर पहला, हिमाचल दूसरा है इसमें। वहीं पर अगर बात की जाए मत्स्य मिलन में, पहले पर कौन पर? उत्तर प्रदेश है। कुल फूल में कौन है? पहले पर तमिलनाडु है। कुल सब्जी में कौन है? उत्तर प्रदेश है। कुल आलू में? उत्तर प्रदेश है। टमाटर में? मध्य प्रदेश है। प्याज में? महाराष्ट्र है। बैगन में? पश्चिम बंगाल है। स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ड्स 2023 रिपोर्ट ये जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट जो कई संगठनों ने मिलकर जारी की है, तो कौन कौन संगठन थे? 13 संगठन थे, जिनमें सरकारी, गैर सरकारी, विश्वविद्यालय आदि शामिल थे। तो स्टेट ऑफ इंडिया वर्ड्स 2023 रिपोर्ट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WIA तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत मतलब के सहित 13 सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने अपनी तरह का पहला ये सहयोगात्मक प्रयास किया है। अब ये देखिए, ये दूसरी रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? पहली रिपोर्ट 2020 में जारी की गई थी, जिसमें कितने 867 प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया था। अब वर्तमान की जो रिपोर्ट है, इसमें 942 ये प्रजाति के पक्षियों को इसमें शामिल किया गया। कितने? 942। तो उसका डायरेक्ट कभी कभी डाटा पूछ लेता है। नेक्स्ट चलते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कहा गया है, इसमें गंभीर रूप से खतरे में मतलब पड़ी पक्षी प्रजातियाँ जैसे जेडन्स क्रोसर है, ग्रेट इंडिया वेस्टर्ड है, और वाइट वेलिड हेरोन है, और बंगाल फ्लोरिंकन है, तथा फिन्स बीबर है आदि के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें एक और चीज़ कही गई है, इसमें कहा गया है कि IUCN की रेड लिस्ट में पुनर्मूल्यांकन हेतु इंडियन रोलर सहित 14 प्रजातियों की इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई है। किसको? इंडियन रोलर सहित कितने? 14 प्रजातियों की शामिल करने की सिफारिश की गई है इसमें। ये क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये क्लास देखिए इतनी थी गंभीर रूप। ये एक और देख लेते हैं, भारत में सबसे गंभीर रूप से मतलब खतरे में पड़ी प्रजातियाँ कौन कौन सी, तो ये सारी प्रजातियाँ हमने बताई थी, तो इनको आप नोट कर लो, UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ये हमारे मतलब ये दूसरी और तीसरी दो वीडियो और आएंगे, उसके दो वीडियो में और हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि हमने कहा था कि राष्ट्रीय परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, वैज्ञानिक परिदृश्य है, वो आर्थिक परिदृश्य है, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। उसके बाद में संक्षिप्तियाँ प्लस खेल वगैरह का पार्ट जो है उसमें कवर कर दिया जाएगा। यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि 3 घंटे के अंदर अंदर हम पूरी इस 1.5-2 महीने की मैगजीन को जो कवर कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अभी भी जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसको वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।